हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज बन रहा है मेरी किचन में इडली। इसके लिए मैंने प्रिपरेशन करके पहले से रख ली थी। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। इसके लिए हमने सबसे पहले उड़द की दाल ले ली है एक कटोरी, और 3 कटोरी मैंने ले लिए थे चावल, और 1 चम्मच मैंने मेथी दाना धो करके और सोक करने के लिए मैंने रख लिया था पानी में। 5 से 6 घंटे मैंने इनको अच्छे से भीगने दिया है। उसके बाद मैंने इनको चावल का बैटर, चावल को मैंने अलग से पीसा है, और मेथी दाना और दाल को अलग से पीसा है, उड़द दाल को। और चावल को पीसते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा, आधा कटोरी मैंने पोहा भी ऐड कर लिया था। इसका बहुत ही फाइन पेस्ट हम बना लेंगे, और फिर दोनों बैटर को हम मिक्स करके बढ़िया से बैटर इसका बन जाएगा। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बस रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें। और इसको फिर हम रख देंगे, इसको मैंने 8 से 9 घंटे रख लिया था ढक करके, और सुबह मैंने इसके इडली बनाए हैं इस तरह से। मैंने मोड़ में लगा लिया है तेल। रिफाइंड ऑयल आप लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं, ताकि इडली मोल्ड में चिपके ना, आसानी से निकल जाए। और बस हम इस तरह से सारे मोल्ड में थोड़ी थोड़ी करके इडली भर लेंगे। बैटर सब में अच्छे से भर जाएगा तो हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। जो छेद होते हैं ना इसके साइड वाले, जहाँ से स्टीम आएगी, इनको हम घुमा करके, मतलब एक एक जैसे सबसे नीचे वाला होगा उसके ऊपर वाला थोड़ा उसको घुमा करके, और उसके ऊपर और घुमा करके, ताकि सभी में बराबर स्टीम जा पाए। और ढक करके हम इनको स्टीम करने के लिए रख दिए हैं। तब तक मैं चटनी के लिए मैं तड़का बना देती हूँ। चटनी मैंने बनाई है नारियल और पीनट की, लाल मिर्ची डाल के। वैसे मैंने करी पत्ता और राई, और साथ में मैंने थोड़ी लाल मिर्ची का तड़का इसमें दे दिया है। और तड़का जैसे हम चटनी के ऊपर डालेंगे तुरंत से ढक दें, ताकि इसका स्मोक निकले ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और ये देखिए इडली भी स्टीम हो चुकी है, मैंने चाकू डाल के देखा है तो ये बिल्कुल साफ चाकू निकला है, तो इसमें ये अच्छे से पक चुकी हैं। चेक आप ज़रूर कर लें बीच में, अगर ना पकी हो तो दोबारा से आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और इडली सारी स्टीम हो चुकी हैं, तो मैंने 2 सेट में बनाई हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ किसी को है स्टीम वाली इडली पसंद आती हैं, और किसी को आती हैं फ्राइड वाली। तो मैंने थोड़ी सी इडली मैंने फ्राई कर ली है, 1 सेट मैंने फ्राई कर लिया था। इस तरह से मैंने डाला है तेल और राई डाली है, और ऊपर से डाल दिया है करी पत्ता, उसके ऊपर से डाली है इडली काट करके, अपने मनपसंद शेप में आप इसको काट सकते हैं। और ऊपर से मैं नमक डाल दूंगी, और थोड़ा सा आप सांभर मसाला भी डाल सकते हैं, हल्की सी मिर्ची, और फ्राइड इडली रेडी हो जाएंगी। इसके बाद मैंने 1 सेट बनाया था स्टीम इडली, और इसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए, तो मेरी दोनों प्लेट्स रेडी हैं, जिसे जो भी पसंद हो वो इस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।